प्रोजेक्ट किसे कविताएं में आपका स्वागत है। जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जीवन में आपके साथ बहुत से ऐसे लोगों का संपर्क हो जाता है, उनके साथ संसर्ग हो जाता है कि आपका जीवन एक अलग दिशा की ओर चल देता है। मेरे साथ भी ऐसे ही एक सज्जन श्री कुलदीप सिंह जी, उनका संसर्ग हुआ था और उन्होंने किस तरह से मेरे जीवन में एक बदलाव लाने का बहुत बड़ा एक माध्यम बना था, उन्हीं के कहे हुए कुछ एक शब्द मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे एक विषय के रूप में भी लिया जा सकता है। कहा गया है विस्मृति यानी भूलना असफलता का नाम है। मैं अपने प्रशिक्षक श्री कुलदीप सिंह को कभी नहीं भूल सकता। लुधियाना आते ही उन्होंने एक पंक्ति सामने रखी, रिस्क के बिना जीवन नहीं चलता, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। उनके कहे अनुसार रिस्क लिया, धोखाधड़ी नहीं की, तन तोड़ परिश्रम से जीवन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया, खुद पर विश्वास भी बढ़ता चला गया। 1974 में अध्यापक बना, लुधियाना से चल पहाड़ी क्षेत्र में आ गया, पीएचडी के लिए शोध कार्य भी शुरू हो गया था। प्रगति संतोषजनक थी, मेरे कामकाज से सभी प्रसन्न भी थे। महीने में कम से कम एक बार तो अमृतसर से सटे अपने गांव अवश्य आता ही, और लुधियाना चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों ना रुको, अवश्य रुकता, क्योंकि श्री कुलदीप सिंह जी का डेरा मेरे लिए मंदिर से कम ना था। एक दिन अपने इस मार्गदर्शक से बात चल निकली, उन्होंने पूछा था, सुदेश तुम्हारे इस विद्यालय का स्तर कैसा है, कहाँ के और कैसे बच्चे पढ़ते हैं वहां? ये विद्यालय बुरा तो नहीं, परंतु यहां जीवन भर नहीं रुका जा सकता है। क्यों? शिक्षा के मंदिर में जैसे लोग होने चाहिए, जैसे विद्यार्थी होने चाहिए, उनका आचार व्यवहार होना चाहिए, शायद वह सब अभी तो दिखाई नहीं देता है यहां। मास्टर जी ने उत्तर दिया था, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी मनस्थिति, ऐसा लगता है तुम ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे यहां पर। हम वहीं ज्यादा दिन रुक पाते हैं अथवा उस स्थान को स्थायी डेरा बनाने की सोचते हैं जहां चीजें हमारे मन माफिक होती हैं। यह जानकर अच्छा लगा कि तुम भविष्य को सुंदर बनाने के सपने गढ़ रहे हो। याद रखो, आदमी को सपने अवश्य देखने चाहिए, क्योंकि सपने संजोने के लिए ही होते हैं, लेकिन सपने ऐसे नहीं होने चाहिए जो आपकी पहुंच से परे हो। सपने वैसे देखो जिन्हें तुम पूरा कर सकते हो। सपने अथवा लक्ष्य कई तरह के होते हैं, कुछ अतिशीघ्र पूरे होने वाले, तो कुछ को पूरा होने के लिए भरपूर समय चाहिए। सपने चाहे जल्दी पूरे होने वाले हो या देर से, आवश्यक है कि हम उन सपनों का हर पल चिंतन करते रहें, हम हर पल ये जानने का प्रयास करें कि हम कहीं भटक तो नहीं गए। हमेशा ध्यान रखो, जो हमारी आंखों के सामने रहता है वह हमें प्रिय बना रहता है, परंतु जैसे ही किसी व्यक्ति को अथवा किसी सपने को, चाहे वह हमें कितना भी प्रिय क्यों ना हो, दूर चले जाने पर विस्मृति की छाया हावी होने लगती है। हम भूल जाते हैं उस लगाव को जो कभी हमें बहुत अधिक प्रिय था।
अतः मेरा यह मानना है कि तुमने जो कुछ पाना निर्धारित किया है उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखो। समय समय पर उसका निरीक्षण परीक्षण कर तो करते रहना चाहिए कि उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे द्वारा किया गया प्रयास क्या पर्याप्त है। यदि हमारा मन कहता है कि नहीं, तो पुनः क्रमबद्ध योजना बनाओ, पुनः चिंतन मनन करो। लक्ष्य आसानी से नहीं मिलते, मिलते अवश्य हैं जो उन्हें ठान लेते हैं। उन्हें पाने की उत्कट लालसा होनी चाहिए। मास्टर जी ने यह जानकर कि शिक्षक बने रहने में ही मेरे जीवन की सार्थकता है, उन्होंने कहा था, हमें अपने सामने उच्च लक्ष्य रखने चाहिए। इस दृष्टि से डूम स्कूल पहुंचना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। वहां पहुंचना कुछ कठिन तो नहीं, यह पूरी तरह तुम्हारे परिश्रम व समर्पण पर निर्भर करेगा कि तुम सफलता प्राप्त करने के योग्य हो या नहीं। उनके ये शब्द हर पल गूंजते रहे। दक्षिण से सिंधिया स्कूल की यात्रा उस यात्रा का एक पड़ाव था। प्रायः हमें पता ही नहीं चलता कि अनजाने में ईश्वर हमसे क्या कुछ करवा डालता है। दक्षिण ने पहाड़ों के सौंदर्य से, पहाड़ी जीवन शैली से जुड़ी चुनौतियों से परिचय करवाया और आवासीय विद्यालयों के व्यस्त कार्यक्रम से भी, तो सिंधिया स्कूल ने अपने ढंग से सिखाया। खेलने कूदने के साथ साथ विद्यार्थियों के संग दूर दराज के स्थान नापने चल दिए। पर्वतारोहण में बेसिक कोर्स करने का अवसर आया तो चल दिया हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग की ओर। चुनौतियों से सामना करने की हिम्मत जुटने लगी। जीवन एक अलग दिशा की ओर बढ़ रहा था। तभी एक दिन श्री गुलाब राम चंदानी जी से मुलाकात हो गई। उन्हें जैसे ही पता चला कि विद्यार्थियों के साथ भ्रमण करना, साहसिक भ्रमण करना मेरी प्रिय गतिविधि है, तो उन्होंने दून स्कूल का निमंत्रण दे दिया। फिर क्या था, जिस सपने को कभी श्री कुलदीप सिंह जी ने सहेजने का अवसर दिया था वह संकल्प साकार हो चुका था, यानी वह मेरा बन चुका था। ध्यान रखना चाहिए, सपने तभी टूटते हैं जब ख्याली सपने बुने जाएं, उनकी सार्थकता ना समझी जाए। सपनों को पाने के लिए उचित परिश्रम तो करना ही होता है। सपनों को कभी पृष्ठभूमि में मत जाने दीजिए, क्योंकि आंखों से ओझल होने का अर्थ विस्मृति, केवल विस्मृति यानी भूलना अर्थात असफलता है, जिसे कोई नहीं चाहता है। ध्यान रखिए, आपकी सफलता आपके हाथ में है। अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को कभी मत भूलिए। हमेशा उनका चिंतन मनन कीजिए। यदि वो आपके सामने साकार रूप में उपस्थित रहते हैं तो कोई शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।